हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर वरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ रहे थे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, और हमने उसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पढ़ लिया था, और फिर इंट्रोडक्शन करने के बाद उसके रिस्क का असेसमेंट किया था, बिजनेस कंटिन्यूटी की रिस्क का असेसमेंट किया था, और उसके बाद हमने डेटा रिकवरी पढ़ी थी, और फिर सिस्टम रिकवरी पर आए थे। सिस्टम रिकवरी में कई स्ट्रेटजीज़ थी। सबसे पहली स्ट्रेटजीज़ थी स्ट्रेटजीज़ फॉर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, हमने पढ़ ली थी। स्ट्रेटजीज़ फॉर नेटवर्क सिस्टम, वो हमने पढ़ ली थी। स्ट्रेटजीज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वो हमने पढ़ ली थी। हमने ये जाना था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम के लिए स्ट्रेटजी तकरीबन एक सी होती हैं। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज़ फॉर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी कि बेसिकली अब हम टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को देखेंगे। अब हम ये मानेंगे कि सिस्टम बाकी हमारा स्टेबल है, सिस्टम की रिकवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टेली कम्युनिकेशन लाइन्स हैं उसमें प्रॉब्लम है। आज की डेट में आज हम इंटरनेट के वर्ल्ड में रहते हैं, एवर कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, तो टेलीकम जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, सब चीज़ होता है, तो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है, डेटा इन ट्रांजिट। हमने जो पहले पढ़ा था, डेटा जो होता है, एक तो डेटा एट रेस्ट होता है और एक डेटा इन ट्रांजिट होता है। डेटा एट रेस्ट आपका कहीं भी रेस्ट कर सकता है, डेस्कटॉप में कर सकता है, लैपटॉप में कर सकता है, हार्ड ड्राइव में कर सकता है, सर्वर में कर सकता है, लेकिन एक डेटा इन ट्रांजिट होता है जो डेटा मूव कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। उस डेटा को सिक्योर करना एक बात है और उस डेटा की अवेलेबिलिटी होना दूसरी बात है। कहने का मतलब यह है डेटा की अवेलेबिलिटी, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी के लिए लाइंस का चलना बहुत ज़रूरी है। तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? सबसे पहले रिडंडेंसी हम देखेंगे, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हम देख रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस की कंटिन्यूटी को प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले लाइंस की रिडंडेंसी होनी चाहिए टेलीकम्युनिकेशन लाइंस की। दूसरा अल्टरनेटिव राउटिंग है, तीसरा डाइवर्स राउटिंग है, उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क डाइवर्सिटी है, उसके बाद लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, और फिर हमारा वॉइस कम्युनिकेशंस है। तो सबसे पहले रिडंडेंसी, लाइन में रिडंडेंसी होनी चाहिए, यानी कि अल्टरनेट लाइन होनी चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब यह है एक्स्ट्रा कैपेसिटी होनी चाहिए। रिडंडेंसी बेसिकली एक्स्ट्रा कैपेसिटी या डुप्लीकेट कैपेसिटी, रिडंडेंसी होनी चाहिए ताकि सरप्लस कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सके। अगर मान लीजिए सपोज नॉर्मल और प्राइमरी नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइज होगी तो सरप्लस कैपेसिटी यूटिलाइज की जाए। अगर एक लाइन कुछ गीगाबाइट्स बाइट्स पर सेकंड या मेगाबाइट्स पर सेकंड डेटा ट्रेवल कर ले रही है, अगर डेटा का ट्रांसमिशन ज़्यादा करना, ट्रांसमिटेबल डेटा ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान लिया सपोज प्राइमरी टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी फेल कर जाती है, तब आप इस एक्स्ट्रा कैपेसिटी का प्रयोग करेंगे। तो रिडंडेंसी होना बहुत जरूरी है। तो आप नेटवर्क को, जैसे मैंने बोला, अप टाइम होना चाहिए, 100% अप टाइम होना चाहिए। अप टाइम का मतलब अप टाइम, यानी कि चलते रहना चाहिए नेटवर्क, 100% अप टाइम होना चाहिए नेटवर्क। तो इसके लिए क्या है कि आपको सेकंड केबल लेआउट करनी पड़ेगी डिफरेंट रूट से। सेकेंड केबल का भी यूटिलाइज होगी जब पहली केबल डैमेज हो गई या पहली केबल फंक्शन नहीं कर पा रही है, किसी वजह से पार्शियली डैमेज होगी तो उसमें से डेटा पार्शियली मूव कर रहा होगा, तो हम सेकेंड केबल यूटिलाइज कर देंगे। नहीं तो ऐसा है कि अगर मान लिया सपोज फेल कर गया दूसरा केबल, तो भी हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद दो चीज़ होती हैं, अल्टरनेटिव राउटिंग और डाइवर्स राउटिंग, थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्टरनेटिव राउटिंग अल्टरनेटिव मीडियम यूज़ करती है, डाइवर्स राउटिंग डाइवर्स ज्योग्राफिकल एरिया से जाती है। मतलब अगर डाइवर्स राउटिंग है तो अलग अलग, अगर दिल्ली टू बॉम्बे अगर आपको एक लाइन क्रिएट करनी है तो एक वाया अहमदाबाद हो जाए, दूसरी वाया बेंगलोर हो जाए, तो कन्याकुमारी तक, सपोज कन्याकुमारी तक आपको लाइन बनानी है, दिल्ली टू कन्याकुमारी एक लाइन बनानी है, तो एक थ्रू बेंगलोर जा सकती है, एक अहमदाबाद बॉम्बे होते हुए जा सकती है। तो ये जो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये डाइवर्स राउटिंग है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्स एरिया है। अल्टरनेटिव राउटिंग क्या है? अल्टरनेटिव राउटिंग ये है कि अगर मान लिया सपोज कोएक्सियल केबल आप यूज़ कर रहे हो, तो
अल्टरनेटिव राउटिंग में क्या है, ट्विस्टेड बियर या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। मालूम पड़ा अल्टरनेटिव राउटिंग क्यों की जाती है, मालूम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ गई। तो आप एक मीडियम यूज़ कर रहे हो, दूसरा मीडियम से डेटा चले जाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने की स्ट्रेटेजी, एक अल्टरनेटिव राउटिंग है और दूसरी डाइवर्स राउटिंग है। तो सबसे पहले ये देखते हैं अल्टरनेटिव राउटिंग क्यों आई। टेली कम्युनिकेशन यूज़र का एक्सपीरियंस रहा कि अगर कम्युनिकेशन सर्किट को सेम ट्रांसमिशन इक्विपमेंट में आप रेप्लिकेट कर रहे हो तो रिलायबिलिटी उतनी इंक्रीज नहीं होती है। जैसे केबल है, अगर दो केबल्स लगाते हो, दो रेडियो, दो वायरलेस सिस्टम्स लगा रहे हो, तो उतना उतना रिलायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। सपोज वायरलेस लिंक डाउन हो गई, सपोज कुछ आसपास कुछ हो गया, मालूम पड़ा कोई जैमर लगा दिए, मालूम पड़ा आसपास कोई आतंकवादी हमला हो गया और वहाँ पर आर्मी आई या आपकी एसपीजी की यूनिट आई और उसने जैमर्स लगा दिए, और जैमर्स लगाने से क्या होगा कि उस जैमर्स के एरिया में ना कोई कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। आप एक क्रिटिकल वॉइस बीपीओ चलाते हो जहाँ पर 24 फुट 24/7 काम होना है, तो आप जैमर्स चलाते ही आपकी कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा, वायरलेस कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा। तो आपको चाहिए होगा लैंडलाइन कम्युनिकेशन, डिफरेंट मीडियम है कम्युनिकेशन। तो जो अल्टरनेटिव राउटिंग है इसमें हेल्प करती है। अल्टरनेटिव राउटिंग जो है हाई प्रायोरिटी मिशन क्रिटिकल डेटा के लिए होती है। मतलब एक तो मिशन क्रिटिकल सर्किट्स हैं, मिशन क्रिटिकल डेटा नहीं, मिशन क्रिटिकल सर्किट्स। अगर एक तो मिशन क्रिटिकल डेटा मिशन क्रिटिकल सर्किट्स में जाएगा, तो मिशन एक होता है मिशन क्रिटिकल सर्किट्स और दूसरा होता है हाई प्रायोरिटी मिशन क्रिटिकल सर्किट्स। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज आप हाई प्रायोरिटी मिशन क्रिटिकल सर्किट्स की आपको ज़रूरत है तो अल्टरनेट पाथ चाहिए होगा आपको। तो अल्टरनेट पाथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और अल्टरनेट पाथ में ब्लॉकिंग की लाइकलीहुड कम हो जाएगी। अगर कोई उसे ब्लॉक करना चाहेगा तो ब्लॉक करने की लाइकलीहुड कम हो जाएगी। यानी कि अगर मान लिया सपोज ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर रहे हो, एक आदमी उसको ब्लॉक करना चाहता है तो टेक्नोलॉजी वो वही यूज़ करेगा, या तो वायर को कट कर देगा, वायर को कट कर देगा तो वायर तो आपने अल्टरनेटिव राउटिंग के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस अल्टरनेटिव पाथ डिज़ाइन कर रखा है, तो वायरलेस को कट करने के लिए उसे दूसरी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यानी कि उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी, उसकी ब्लॉकिंग की कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, नेटवर्क की वनरेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और राउटिंग की एडेप्टिविटी एडेप्टे जो एडेप्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। मतलब अगर टोपोलॉजिकल चेंजेस आ गए, ट्रैफिक चेंजेस आ गए, या उस केस में भी एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अल्टरनेटिव राउटिंग के तीन मेन बेनिफिट हैं। एक है राउटिंग अलाउंड फेलियर कहा जाता है, एक कहा जाता है राउटिंग अराउंड कंजेशंस, और एक ऑप्टिमाइज्ड राउटिंग। तो यानी राउटिंग अराउंड फेलियर तो हम बता चुके हैं, फेलियर होने के चांसेस कम है। राउटिंग अराउंड कंजेशन ये है कि अगर लैंडलाइन कंजेशन हो रही है तो वायरलेस से कर लीजिए, वायरलेस कंजेशन हो रही है तो राउटिंग से कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि किसी जगह पर जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर है, तो उसमें क्या है कि अगर मान लिया सपोज या कोई पर्टिकुलर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर क्या है कि टेलीकम्युनिकेशन लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन मोबाइल काम कर रहा होता है। मोबाइल इसलिए काम कर रहा होता है क्योंकि मोबाइल रेडियो वेव्स जा रही होती है। कई बार क्या होता है कि टावर गिर जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो लैंडलाइन काम करने लगती है। तो अल्टरनेटिव राउटिंग जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके राउटिंग अराउंड फेलियर है, राउटिंग अराउंड कंजेशन है, और दूसरा ऑप्टिमाइज राउटिंग है। ऑप्टिमाइज राउटिंग मतलब पर्टिकुलर तरह का डेटा पर्टिकुलर तरीके के मीडियम में अच्छी तरह के से जा सकता है। जैसे फाइबर ऑप्टिक में आपके जो पिक्चर कम्युनिकेशन है, वीडियो कम्युनिकेशन है, फाइबर ऑप्टिक में ज़्यादा बेटर जा सकता है। तो ऑप्टिमाइज्ड राउटिंग कर रहे हैं तो आप फाइबर ऑप्टिक में हाई स्पीड डेटा, जो हाई स्पीड जिसकी ज़रूरत है वो आप
ली जा सकते हैं। लो स्पीड डेटा है तो ट्विस्टेड पेयर में आप उसे भेजिए। तो इस तरीके से राउटिंग को आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो अल्टरनेट राउटिंग जो है, जो हमने बोला वो इंफॉर्मेशन को राउट करती है। कैसे राउट करती है? अल्टरनेटिव मीडियम या पाथ से राउट करती है। अगर कोई डिस्ट्रप्शन हो जाएगा तो अल्टरनेटिव मीडियम के थ्रू राउटिंग हो जाएगी। हमने एग्जांपल दिया कि जैसे कोएक्सियल केबल है तो अल्टरनेटिव राउटिंग क्या करेगी, ट्विस्टेड पेयर का यूज़ कर देगी, या फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कर देगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्ट्रेटेजी तब इफेक्टिवली काम करती है जब प्राइमरी टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी अगर फेल हो गई। तो आप क्या करते हो, डिफरेंट नेटवर्क सर्किट्स और एंड सर्किट्स का यूज़ करना चालू कर देते हो। और फॉर एग्जांपल आपकी टोपोलॉजी चेंज होगी। वैसे मैश टोपोलॉजी है तो उसमें अल्टरनेटिव पाथ्स ऑलरेडी होते हैं, मतलब डेटा अल्टरनेटिव पाथ से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे टोपोलॉजी चेंज हो रही है, अल्टरनेटिव राउटिंग उसमें ज़्यादा अडेप्टेबल हो जाती है। हाँ, एग्जाम्पल जो हमने दिया ये दिया कि अगर मान लिया सपोज आप लीज लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव राउटिंग के लिए डायल अप सर्किट यू रख सकते हैं। अगर मान लिया सपोज आप रेडियो या सेलफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो लैंडलाइंस रख सकते हैं अल्टरनेटिव राउटिंग के लिए। अगर मान लिया सपोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, तो कुरियर ट्रांसमिशन रख सकते हैं अल्टरनेटिव राउटिंग के लिए। मीडियम चेंज हो गया, कुरियर क्या हुआ, आदमी ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस ले जा रहे हैं, लैंडलाइन जमीन की लाइन ले जा रही है, रेडियो ट्रांस रिसीवर्स या सेलफोन्स जो हैं वो उसका मीडियम अलग है, उसका एयर मीडियम है, इनका बाकी का केबल मीडियम है। लीज लाइन है तो आप डायल अप सर्किट्स को अल्टरनेटिव राउटिंग के लिए यूज़ करें। तो ये अल्टरनेटिव राउटिंग है की जो चीज़ है वो मीडिया चेंज होता है अल्टरनेटिव राउटिंग में। फिर से बोलते हैं, अल्टरनेटिव राउटिंग में मीडिया चेंज होता है, मिशन क्रिटिकल सर्किट्स, और वो भी हाई प्रायोरिटी मिशन क्रिटिकल सर्किट्स की जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर अल्टरनेटिव राउटिंग यूज़ में आती है। तो अल्टरनेटिव राउटिंग के तीन मेन बेनिफिट हैं, राउटिंग अलाउंड फेलियर, राउटिंग अराउंड कंजेशन, ऑप्टिमाइज्ड राउटिंग, ये तीन चीज़ें हैं। इसके बाद चलते हैं डाइवर्स राउटिंग में। डाइवर्स राउटिंग डाइवर्स होती है, वो ज्योग्राफिकल सेपरेटेड ट्रांसमिशन पाथ का यूज़ करती है। यानी अगर मान लिया सपोज एक ट्रांसमिशन फैसिलिटी जो है वो डुप्लीकेट या बैकअप इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, और कैसे प्रोवाइड करती है, जहाँ पर ज्योग्राफिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ हो, तो वो डाइवर्स राउटिंग हो जाएगा। अगर एक इक्विपमेंट फेल हो जाता है एक जगह का, तो आप डाइवर्स दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से इक्विपमेंट मूव करने लग जाता है। तो डाइवर्स राउटिंग आपकी सेम एंड पॉइंट पर टर्मिनेट करती है, लेकिन जो रूट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कम्युनिकेशन दिल्ली टू यूएस भेजना है, तो दिल्ली टू यूएस जाएगा, लेकिन हो सकता है दोनों अलग पाथ से जाए, ज्योग्राफिकली दोनों अलग पाथ से जा रहा है। अगर दिल्ली टू कन्याकुमारी भेजना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी भेजना है, तो कश्मीर से होते हुए एक पाथ है आपका बॉम्बे होते हुए जा रहा है, और एक पाथ जो है मेड्रास होते हुए जा रहा है। तो वो दोनों अलग अलग एरिया से लाइंस जा रही हैं। तो ये डाइवर्स राउटिंग है। डाइवर्स राउटिंग में एंड पॉइंट सेम होगा, लेकिन ट्रांसमिशन जो होगा वो सेपरेट लाइन से होगा। तो यानी कि डाइवर्स राउटिंग क्या करती है, जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से हमें बचाती है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये है कि जिसकी सिक्योरिटी लाइबिलिटी एक मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट होती है, वो एक मैकेनिज्म फेल हो गया तो सिस्टम फेल हो गया, तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से हमें डाइवर्स राउटिंग बचाती है। तो वो बैकअप केबल फैसिलिटी क्रिएट करती है, बैकअप कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी क्रिएट करती है। इसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क डाइवर्सिटी। लॉन्ग डिस्टेंस में नेटवर्क की डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क डाइवर्सिटी में क्या होता है कि सपोज दो लाइन्स हैं, सॉरी दो टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, एक वाडाफोन है और एक एयरटेल है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा रिलायंस अपना टेली कम्युनिकेशन का पाथ बिछा रही है, तो वो एक जगह खोदती है और वो पूरा एक ही पाथ होता है, मतलब एक ही कॉन्डुइट के अंदर
एक ही जो कॉन्डुइट है उसके अंदर कई लाइंस जा रही होती हैं, ये कॉन्डुइट कट गया तो पूरा टेलीकम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो और कई बार क्या होता है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर अलग होगा और जो ये इन टेलीकम्युनिकेशन का जो मालिक होगा वो अलग होगा, जो आपका लाइन का जो सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे का जो ओनर होगा वो अलग होगा। जैसे रिलायंस फाइबर ऑप्टिक केबल में जो भी कम्युनिकेशन जाएगा उसके लिए रिलायंस पैसा लेगा, तो वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके लिए रिडंडेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में डिज़ास्टर हो गया तो क्या होगा कि रिडंडेंट लाइंस नहीं होंगी, और अगर लाइंस सेम फिजिकल कॉन्डुइट से जा रही हैं, फिजिकल कॉन्डुइट लॉजिकल नहीं फिजिकल कॉन्डुइट से जा रही हैं और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो कम्युनिकेशन गिर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार क्या हुआ, दिल्ली टू सॉरी बॉम्बे टू यूएस हमारी समुद्र के नीचे केबल जाते केबल्स से डेटा जाता था, इंटरनेट कनेक्शन जाता था, तो उसमें एक केबल कट गई तो दूसरी केबल थी उसने काम करती रही, चीज़ें संभाल लिया, लेकिन कनेक्टिविटी सफ़र की। अगर सिंगल केबल होती तो कनेक्टिविटी बंद हो जाती, मतलब समुद्र के नीचे लाइन जाती है बॉम्बे से यूएस तक, तो वो लाइन जो है केबल फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र के नीचे बिछाई गई है, हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई है, तो वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल हैं वो टेलीकम्युनिकेशन डेटा ले जाती है, बहुत फास्ट टेलीकम्युनिकेशन डेटा ले जाती है। तो अगर एक सिंगल लाइन है, सिंगल कॉन्डुइट ले जा रहा है आपने, एक लाइन एक कॉन्डुइट में, एक असल में एक कॉन्डुइट होता है तो उसमें 40,000-50,000 लाइन्स होती है। फाइबर ऑप्टिक का एक केबल जो है उसमें मिनिमम 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार लाइन मिनिमम होती हैं, यानी कि 60,000 लाइन्स आपस में जारी होती हैं एक ही कॉन्डुइट में, और अगर वो एक कॉन्डुइट फेल हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आज की डेट में क्या है, रिडंडेंट लाइन्स हैं और ऐसी फैसिलिटी है कि अगर मान लिया सपोज एक लाइन से दूसरी लाइन में, अगर एक लाइन में कट हो गया कुछ ट्रंक लाइन है उसमें अगर कनेक्शन कट हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन को चले जाते हैं, मतलब कंप्यूटराइज वो है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर अगर टेली सर्विस प्रोवाइडर का यानी वोडाफोन वगैरह का अगर ऑडिट कर रहा है उसे देख लेना पड़ेगा एडिक्वेट कनेक्शन है कि नहीं है, रिकवरी साइट्स एडिक्वेट हैं कि नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मान लिया एक सिंगल फिजिकल कॉन्डुइट तो नहीं है, सिंगल फिजिकल कॉन्डुइट होगा तो उस पर वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। वैसे जनरली क्या है कि आज की डेट में मल्टीपल वेज ऑफ कम्युनिकेशन है लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा बहुत ट्रेवल करता है, आज की डेट में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रेवल करता है। इसके बाद एक चीज़ और है हमारी स्टडी में, जो लास्ट माइल सर्किट प्रोटेक्शन दिया गया है, कई लोग लास्ट किलोमीटर सर्किट प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज आप अपनी कंपनी बन एक आउटसोर्सिंग कंपनी लगा रहे हो और वॉइस कम्युनिकेशन है और कॉल सेंटर बना रहे हो और कॉल सेंटर यूएस को केटर करता है, तो आपने सब कुछ किया लेकिन लास्ट माइल प्रोटेक्शन नहीं है। लास्ट माइल का प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि लोकल एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटी तक जो टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन हो वो रिलायबल होना चाहिए, लास्ट माइल तक रिलायबल होना चाहिए या लास्ट किलोमीटर तक रिलायबल होना चाहिए, तभी लास्ट माइल सर्किट प्रोटेक्शन, सर्किट का प्रोटेक्शन, किसका सर्किट का प्रोटेक्शन, लास्ट माइल या लास्ट किलोमीटर सर्किट प्रोटेक्शन तभी मिलेगा। तो लास्ट माइल लास्ट सर्किट लास्ट किलोमीटर सर्किट प्रोटेक्शन जो है एक्सचेंज फैसिलिटी तक हमें देखना पड़ेगा, मतलब हमें कोई भी चीज़ कंटिजेंट नहीं रखनी, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मिशन क्रिटिकल डेटा है, मिशन क्रिटिकल लाइन्स हैं, उनको लास्ट माइल तक प्रोटेक्शन मिला है कि नहीं मिला है, रिडंडेंसी है कि नहीं है वहाँ पर। डिज़ास्टर रिकवरी टीम को यह देखना पड़ेगा कि कैसे कंपनी रिप्लेस करेगी मिशन क्रिटिकल लूप्स और लास्ट माइल नेटवर्क सर्विसेज अगर कोई इंटरप्शन आ गया। अगर लोकल टेलीकम्युनिकेशन कैरियर जैसे वोडाफोन है या कोई है वहाँ पर कोई आपका इंटरप्शन आया तो कैसे काम करती रहेगी,
तो इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि आप दो लाइंस दे दो, सिक्योर लाइंस ले लो डिफरेंट कैरियर से, जो फिजिकली सेपरेट पाथवेज हों, और इसको कहते हैं लिंक डुप्लीकेशन। अगर आप डिफरेंट करियर्स ले रहे हो, एक वोडाफोन से ले रहे हो और दूसरा मालूम पड़ा आपने रिलायंस से लिया, और एक दोनों के पाथवेज अलग हैं, दोनों के पाथ अलग हैं, मतलब लीज लाइन ली, दोनों के पाथवे अलग हैं, तो उसे लिंक डुप्लीकेशन कहते हैं। तो लिंक डुप्लीकेशन क्या है? लिंक का डुप्लीकेशन, यानी लिंक जो बन रहा है उसका डुप्लीकेशन, यानी कि आपने इंश्योर किया कि दो करियर हैं। अगर वोडाफोन डाउन होगा तो रिलायंस काम करेगा या दूसरा कंपनी काम करेगी, टाटा काम करेगा, और दोनों अलग अलग पाथ से लाइंस होंगी, जारी होंगी। तो लिंक डुप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हो लास्ट माइल सर्किट प्रोटेक्शन में। तो इसमें क्या है कि अगर मान लिया सपोज आपका आप किसी पर्टिकुलर जगह में आपका ऑफिस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लोकल एक्सचेंज है, दो कंपनी के लोकल एक्सचेंज है और दो अलग अलग जगह सिचुएटेड है, तो आप क्या है दोनों के पास आपका इंफॉर्मेशन जा रही है। या फिर आप एक टाटा से तो लैंडलाइन का कनेक्शन ले लो और उससे आप वायरलेस कनेक्शन ले लो, यानी टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन ले लो। तो जैसे ISDN या माइक्रोवेव इमरजेंसी में यूज़ कर लो, अगर कोएक्सियल केबल जो है डिस्टर्प्टेड है, जो कोएक्सियल केबल नॉर्मल केबल होता है जिसमें टेली कम्युनिकेशन होगा, वो अगर डिस्टर्प्ट हो गया तो ISDN लाइन या माइक्रोवेव का यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन यूज़ कर लो। तो यानी कि आपके ऑफिस से आपके एक्सचेंज तक कोई प्रॉब्लम हो तो आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वॉइस रिकवरी हमारी स्टडी में दी हुई है। वॉइस रिकवरी में ये दी है कि EPBACS होना चाहिए, प्राइवेट PBX यानी प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक डिब्बा सा होता है, उसमें कई कम्युनिकेशन लाइन जारी होती, और वो इंश्योर करता है कि आपका जो अगर वॉइस कम्युनिकेशन है तो वॉइस कम्युनिकेशन स्मूथ रहे, अगर वॉइस कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो, लाइन्स में कोई गड़बड़ ना हो, तो उसमें रिडंडेंसी रहती है लाइन्स की, हर समय रिडंडेंसी, लाइन्स की रिडंडेंसी रहती है। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कोई कॉल आ रही है और आपका अलग अलग टेलीफोन लाइन्स हैं ऑफिस में, तो वो अगर मान लीजिए लाइन कम हो रही है तो वो जो PBX है, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज जो है, वो हेल्प करता है इंटरनल कम्युनिकेशन को रिकवर करने में, वो हेल्प करता है। तो डेडिकेटेड लाइंस हो सकती हैं बिजनेस क्रिटिकल फंक्शंस के लिए। और फिर क्या होता है, कई बार क्या होता है PBX प्रोग्रामेबल होते हैं, तो वो उनके पास कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कॉल पिकअप करने की, कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी होती है, तो ये हेल्प करते हैं वॉइस कम्युनिकेशन को ठीक रखने में और वॉइस कम्युनिकेशन की रिकवरी रखने में। तो ये था आपका स्ट्रेटेजीज़ फॉर टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में मतलब एक्स्ट्रा कैपेसिटी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लाइन होनी चाहिए, रिडंडेंट लाइन होनी चाहिए, डुप्लीकेट लाइन होनी चाहिए, जिससे क्या कहते हैं जो दूसरा केबल लेआउट करें, जिससे कि पहला डैमेज हो जाएगा तो दूसरे को यूज़ करें, अगर पहले में कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो दूसरे को यूज़ करें। फिर हमने अल्टरनेटिव राउटिंग के बारे में पढ़ा था। अल्टरनेटिव राउटिंग में मीडिया अलग होना चाहिए। अगर मान लिया सपोज आपका लैंडलाइन है तो आप माइक्रोवेव से कर सकते हो, कुरियर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है तो कुरियर से भेज सकते हो। अगर मान लिया सपोज लैंडलाइन है तो सेल्युलर फ़ोन या रेडियो ट्रांसमिशन रिसीवर यूज़ कर सकते हो। अगर मान लिया लीज लाइन है तो डायल अप सर्किट्स भी आपके पास हो सकते हैं, तो इसे अल्टरनेटिव राउटिंग कहते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ है डाइवर्स राउटिंग। डाइवर्स राउटिंग में क्या है, ज्योग्राफिकली डाइवर्स इलाके से राउटिंग होगी। तीसरा क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क डाइवर्सिटी है। लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क डाइवर्सिटी का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में नेटवर्क की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो यानी कि हमने लॉन्ग डिस्टेंस में नेटवर्क की डाइवर्सिटी तो मेंटेन कर ली कि भाई सर्विस प्रोवाइडर के पास अलग अलग फिजिकल कॉन्डुइट्स होने चाहिए, वहाँ से कम्युनिकेशन जाना चाहिए, इस तरीके से हम की। लेकिन लास्ट माइल सर्किट प्रोटेक्शन क्या करेगा, जो ऑफिस है वो उससे टेलीफोन एक्सचेंज तक का लाइन सिक्योर करेगा, यानी कि आपके ऑफिस से टेलीफोन लाइन तक की सिक्योर होनी चाहिए। और फाइनली हमने वॉइस कम्युनिकेशन को
सिक्योर किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स में अगर मान लिया सपोज अगर अगर कोई आईटी वाला बंदा दूसरे वाले बंदे को कम्युनिकेट करेगा तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगा अल्टरनेटिव राउटिंग यूज़ करते हैं, या वो कहेगा डाइवर्स राउटिंग यूज़ करते हैं, या फिर वो उससे पूछेगा लास्ट माइल प्रोटेक्शन के बारे में आपने क्या किया है। इतना कहना है चीज़ें कन्वे हो जाएंगी, इतना कहना है चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएंगी, इतना कहना है अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, अगर मान लिया सपोज आप अपने वहाँ सिस्टम बना रहे हैं और आउटसोर्स कर रखा है और आप उसे लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आप लिखोगे तो सारी चीज़ें एम्पली क्लियर हो जाएंगी, मतलब हर पार्टी में क्लैरिटी आ जाएगी। और एक एज अ स्ट्रेटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेट स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की गई है जिससे कि इफिशिएंसी बढ़े। तो यह था स्ट्रेटजीज फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। थैंक्स।